ये हैं वाराणसी के अशोक विहार में अपना नर्सिंग होम चलाने वाली डॉक्टर शिप्राधर, जो अपने नर्सिंग होम में बेटी के जन्म लेने पर पैसा नहीं लेती हैं, यानी मुफ्त में प्रसव करवाती हैं। डॉक्टर शिप्राधर ने कई बार देखा कि बेटी के जन्म लेने पर परिवार इस कदर मायूस हो जाता था मानो उनके ऊपर कोई कहर टूट पड़ा है। बेटियों के प्रति इस तिरस्कार की भावना से आहत डॉक्टर शिप्राधर ने फैसला किया कि बेटी के जन्म लेने पर वह उस परिवार से एक भी पैसा नहीं लेंगी। इस निर्णय को उनके पति डॉक्टर एम के श्रीवास्तव का पूरा समर्थन मिला और इसी के साथ शुरू हुआ बेटी नहीं है बोझ, आओ बदलें सोच का सफर। डॉक्टर शिप्राधर ने बेटियों के प्रति समाज की सोच को बदलने का बीड़ा उठा लिया है। बेटी के जन्म पर मुफ्त में डिलीवरी कराकर वो दुखी और मायूस परिवार को थोड़ी सी खुशी प्रदान करने के साथ बेटियों के प्रति समाज की रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास भी कर रही हैं। डॉक्टर शिप्राधर के नर्सिंग होम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 230 से ज्यादा बेटियों का जन्म हो चुका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हम लोग की अपनी जो सोच है कि बेटी नहीं है बोझ, आओ बदलें सोच, इसके तहत हम लोग ने बेटी की डिलीवरी में कोई किसी प्रकार का कोई शुल्क न लेने की के बारे में सोचा और उसके तहत हम लोग के वहाँ अभी तक 230 ऐसी बच्चियों का जन्म हो चुका है जिनका कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगता है। बेटियों को बचाने के बाद उन्हें पढ़ाने की भी चुनौती रहती है, खास तौर से गरीब परिवार की बेटियों को पढ़ाई का मौका नहीं मिल पाता है। डॉक्टर शिप्राधर गरीब और वंचित तबके की बेटियों को अपने आवास के एक कक्ष में इकट्ठा कर प्राथमिक शिक्षा भी दे रही हैं और भविष्य में ऐसी बेटियों के लिए वे बहुत कुछ करने का जज्बा रखती हैं। बेटी पढ़ाओ के तहत हम लोग ने एक प्राइमरी एजुकेशन अपने वहाँ स्टार्ट किया है जिसमें हमने दो टीचर्स भी रखी हैं जो गरीब तबके की बच्चियाँ हैं आसपास के कॉलोनी की, तो उनको हम लोग अपने वहाँ प्राइमरी एजुकेशन भी देते हैं और ताकि वो बच्चियाँ पढ़ करके समाज में कुछ कर सकें, और इसके लिए हमने अपने वहाँ दो टीचर्स रखे हैं और वो इन बच्चियों को प्राइमरी एजुकेशन देती हैं और इन बच्चियों के लिए हमने सोचा है कि धीरे धीरे इन बच्चियों को आगे लेकर के जाएंगे और अभी तो प्राइमरी एजुकेशन है, उसके बाद स्कूलिंग, और इन बच्चियों को हम आगे भी इनके पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी तक बनाने के लिए हम लोगों ने सोचा है, आगे ईश्वर जैसा साथ दे ताकि हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये दोनों ही मिशन कवर हो सके। पिछले 3 वर्ष से डॉक्टर शिप्राधर थोड़ी बड़ी बेटियों को सिलाई कढ़ाई भी सिखा रही हैं जिससे कि वो किसी को बोझ ना लगे। डॉक्टर शिप्राधर लड़की के जन्म पर खुशी मनाने और उसे पूरी जिम्मेदारी से शिक्षित करने का प्रयास कर समाज में एक सकारात्मक संदेश देने में कामयाब हुई हैं।